नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं, इस बात से मैं आपको अवगत करा दूं कि दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां और बहुत बड़ी मुश्किलें अब आने वाली हैं। और दोस्तों, ये जो मुसीबत आई है, उस मुसीबत से किस प्रकार आप बाहर निकल सकते हैं, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूँ कि आप सभी को ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पैसा संभाल नहीं पाओगे। यूँ कहें तो दोस्तों, पैसों में आपके हाथ थक जाएंगे गिनते गिनते कि दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि पूरा जीवन इधर का उधर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, खाई से लेकर ऊंचाई तक आपका सफ़र पूरा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस समय आपको इस बात को सोचना है कि पैसों की दिक्कत आखिर किसको नहीं है। दोस्तों, पैसों की दिक्कत सबको होती है, लेकिन दोस्तों, सब में और आप में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और ये फ़र्क आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की सबसे बड़ी मूल मंत्र देने वाले हैं, जो कि दोस्तों, आपके जीवन काल में आपको पता होना बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आपके जीवन काल में ऐसा हुआ है कि दोस्तों, पैसा आपके पास यही आया था। दोस्तों, आपके पास पैसा हमेशा आता है, लेकिन कब वो आपके हाथ से निकल जाता है, इसकी आपको भनक भी नहीं लगती है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इधर से पैसा आता है और उधर से चला जाता है। दोस्तों, एक समस्या और दोस्तों यहाँ पर शांत होती है तो दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों, आपके पैसों की तंगी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार आपके जीवन में आए हुए पैसे को आप रोक सकते हैं, और आपके जीवन में वो कौन सी बड़ी घटना है, वो कौन सा बड़ा काल है जो दोस्तों, आपके सर पर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता दी, जय शिव शंकर। दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आपके जीवन में हो रहे बड़े बदलाव क्या कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बता दूँ, ये जो आने वाला समय 3 दिन है, वो आपके लिए बड़ा ही खास रहने वाला है। और जो आपके दुश्मन हैं, वह परेशान हो जाएंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। दोस्तों, यही नहीं कि आपके जीवन की सच्चाई ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत मस्त तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों, आपको अलमस्त होकर जीना है, किसी की बातें और बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। दोस्तों, इंसान सब कुछ सही कर रहा होता है, लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ऐसे लोग लग जाते हैं जो उसको बर्बाद करके ही रहते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी सावधानियां हैं जिनका आपको बेहद ही जानना और बेहद ही पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सावधानियों के बारे में, कैसे रहेंगे ये आपके आने वाले दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि दोस्तों, हम आपको सतर्क कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। आप समय रहते संभल जाइए, वरना दोस्तों, आपके जीवन को ये तबाह करके रख देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई आपके दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके सामने सिर्फ आपके होते हैं, लेकिन आपके पीछे जाते ही वे आपकी घृणा करने लगते हैं, आपकी तुलना करने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोमबत्ती को भी आखिरी में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने खत्म किया है जिसे उसने अपने अंदर अपने दिल में छिपा कर रखा था। और ठीक उसी प्रकार से आपको भी वही धोखा देगा जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, दोस्तों भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी आपसे बस यही सलाह है कि आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने दिल की, अपने मन की। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ खास सावधानियों के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। जीवन में रखने वाली सावधानियों के बारे में और 24 घंटे में बदलते ग्रह नक्षत्रों की चाल के बारे में, आज की जो दिन है आपके लिए, यूं कह दे तो कई प्रकार से दोस्तों, खास रहने वाला है। कोई भी काम यदि आप करेंगे तो उसमें रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आपको बता दे, काम करने से पहले आपको जानकारी हासिल होना ज़रूरी है, इससे आपका काम हासिल हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। आज के दिन आप किसी भी मुश्किल या फिर अथवा निर्णय की स्थिति, अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहने वाला है, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए,
तो आपको निर्णय लेने से पहले किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेना आवश्यक रहेगा। दोस्तों, बिना अनुभव के कोई भी कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए। आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की या फिर अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना जरूर चाहिए। चीज़ों को करने से अनुभव होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी चीज़ जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आपको उसका अनुभव तो होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनको बिना अनुभव के करना ही करना नहीं चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिना अनुभव के कुछ नहीं करना चाहिए। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अनहोनी घटित हो सकती है। आपको बता दें कि कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है या फिर आपका कोई घनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा आपका मेलजोल बढ़ रहा हो। उसके साथ में कुछ दुर्घटना घट सकती है जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है और दोस्तों, आपको इससे दुख का अनुभव भी होगा। इस समय जो आप अपने जीवन में वर्तमान में कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, उस पर ही आपको अपना पूरा ध्यान फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि नए व्यवसाय या फिर जो भी आप नया करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी हासिल करना आवश्यक रहेगा। नौकरी में टारगेट हासिल करने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा आत्मबल या फिर जोर लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। थोड़ा ज़्यादा ही उस चीज़ में आपको मन लगाना पड़ेगा तभी वो कार्य पूर्ण तरीके से हो जाएगा, वरना दोस्तों, आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो आपसे थोड़े नाराज़ हो सकते हैं। बात कर लेते हैं व्यर्थ के कामों से। आज आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए और केवल आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बड़ी समस्या का हल दोस्तों किसी व्यक्ति की मदद से आज आपको प्राप्त होगा और आपके मन में जो विचार गलत उत्पन्न हो रहे हैं वो थोड़े से नकारात्मक विचार हैं। कुछ अच्छे विचार भी हैं, सकारात्मक विचार भी हैं, उन पर दोस्तों आपको पुनर्चिंतित करना, यानी कि दोबारा से उसके बारे में सोच विचार करना अच्छा रहेगा। यदि नकारात्मक विचार है तो दोस्तों, विचारों को जड़ से मिटाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन आपके जीवन में जो विचार होते हैं वो थोड़े से अगर नकारात्मक हो तो जीवन दोस्तों उसी राह पर चलने लगता है। यानी कि दोस्तों, जीवन में अगर लाख खुशियां हो लेकिन अगर मन ही आपका खुश नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे जीवन में जो खुशियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये करना होता है जीवन में कि अपने मन को आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी रहेगा और अपने मन के नकारात्मक विचारों को दूर करना, अपने मन से उन्हें निकाल देना, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय हम आपको ये बता देते हैं कि जितना आपसे हो सके उतना आपको भक्ति में हो जाना चाहिए, यानी कि प्रभु की आराधना करनी है, उनकी शरण में जाना है। और आपको बता दें कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन में जा सकते हैं, खाटू श्याम जी के भजन सुन सकते हैं। इन चीज़ों से जो मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब दूर हट जाते हैं और मन में एक नई किरण जागती है जिससे आपका मन और प्रफुल्लित होता है और आपके जीवन में आप खुश रहना सीख जाते हैं। मन में एक उम्मीद रहती है, आशा रहती है और जीवन में आपके जो खुशियाँ हैं उनका आप आनंद लेना सीख जाते हैं। परिवार के साथ में भी बैठिए, बातें करिए, उनके साथ में थोड़ा समय व्यतीत करिए और परिवार के लोग कितने खुश हैं, किन चीज़ों को लेकर दुखी हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप पुनः एक नई तरीके से जीवन देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी इससे और इस समय में बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है, इस कारण आपका लक्ष्य की ओर बढ़ना आपके लिए और अच्छे से संभव हो पा रहा है। अपने कार्य क्षमता और योग्यता के लिए बेहतर परिणाम आपको हासिल हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपनी बातों का और अपने चीज़ों का बखान ना करें, अपने गुस्से पर और अपने ईगो पर काबू रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे आगे तक जाने वाले इंसान बनेंगे, यानी कि अपने जीवन में आगे तक आप कुछ पा पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।